नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के लघु सचिवालय में वीर शहीदी दिवस पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। लघु सचिवालय में शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस के जवानों ने भी सलामी देकर वीरों को याद किया। शहीदों के लिए एक मिनट का किया गया मौन धारण। जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग तथा सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल दीप डागर ने दी श्रद्धांजलि। शहीदी दिवस के अवसर पर आज सिरसा के लघु सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को फूल माला व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस के जवानों की टुकड़ी ने सलामी दी और बिगुल बजाकर शहीदों की शहादत को सलाम किया। जिला सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशंसा की और उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जबकि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल दीप डांगर ने भी पूर्व सैनिकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें इनकी कुर्बानियों और बलिदानों से प्रेरणा लेते हुए देश सेवा करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि 1971 का युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति का दिवस था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। जिला सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी कर्नल डॉक्टर दीप ने बताया कि आज का दिन देश के लिए गौरवशाली का दिन है। उन्होंने बताया कि 1971 के पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में हमारे वीर जवानों ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस युद्ध में भारतीय सेना ने फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में करीब 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को बंदी बनाया था और विजय हासिल की थी। और उन्होंने बताया कि इस युद्ध में हमारे करीब 3,900 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। वर्ष 1971 की पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक ओम प्रकाश वी लालचंद बुदारा ने कहा कि उन दिनों हिंदुस्तान के पास हथियारों की कमी के बावजूद भी हमारे सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी और इतिहास रचा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। 16 दिसंबर 1971 को हमारी विश्व विजयी सेना ने पाकिस्तान को इस महायुद्ध में बुरी तरह से परास्त किया और उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया। इसमें हमें भी क्षति पहुंची, हमारे करीब 3,900 सैनिक शहीद हुए और करीब 9,900 सैनिक हमारे घायल हुए। और जनरल मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह और जनरल जैकब ने और ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने बहुत ही बड़ा उसमें योगदान दिया और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात हमेशा इतिहास में रहेगी। आम नागरिकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रांतियाँ हैं देश में, कुछ तत्व फैला रहे हैं, कुछ विषमताएँ फैला रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग ऐसे तत्व हैं जो दुश्मन के गलियारों में खेल रहे हैं और इनसे हमें बचना चाहिए। देश को एकजुटता के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरी यही देशवासियों से अपील है। किस तरह से 1971 का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश बने थे और एक किस्म से बांग्लादेश की मुक्ति का युद्ध था और मुक्त हुआ हमारे वीर सैनिकों की शहादत की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से। तो उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अपने देश को अच्छा बनाएं, अच्छी ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें। और शहीदों ने जिसलिए ये शहादत दी है कि देश के लोग शांतिपूर्वक रहें, फले फूलें, वो हमें करना चाहिए। थैंक यू। मैं 1969 में सेना में भर्ती हुआ था, बड़े शौक से और घर से भाग कर निकला था मैं, मेरे को भर्ती नहीं होने दे रहे थे। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान था ये, उसके बाद में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने क्या किया, बंगालियों को मारना शुरू कर दिया। उनको हमने एक साल असम में गुवाहाटी के पास ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, वापस भेज दिए। 2 दिसंबर 1971 को हमारी सेना
पूरी पाकिस्तान के अंदर इंट्री कर गई थी। उसके अंदर मैं उस टाइम मेरी 2 साल सर्विस थी, रिक्रूट ही था। बाकी हमने रात दिन 16 तारीख को सीज फायर हुआ था, आज के दिन ही हमने 95,000 पाकिस्तानी सैनिक जिंदा कैद किए थे। उसके बाद में उनका तारबंदी करके उसको वहीं रखा, उसके बाद आस्ते आस्ते हमारे हिंदुस्तान के अंदर ले आए। हमने युद्ध में पहले 62 चाइना का ही ऑपरेशन और 65 का पाकिस्तान के साथ और 71 का फिर पाकिस्तान के साथ। मैं तो आज देश के नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ, अगर 62 का युद्ध ना होया होता तो हम 65 में जो है नौजवान अपनी विजय हासिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे टाइम में हथियार भी नहीं थे, गाड़ियाँ भी नहीं थी और कोई भी वर्दी सिस्टम भी नहीं था। केवल मलेशिया से सिलवा कर ये देते थे। जो है युवाओं का जो 1971 का युद्ध था जिसमें 93,000 फौजियों को हमने घेर के रखा, और ये तो मैं तो आज ये कहूँगा कि हमारे देश के जो हुक्मरान थे, हमारे देश के जो आगे अगली पंक्ति में थे, उन्होंने कर दिया, वरना लाहौर हम पहुंच गए थे। इतनी कर दिया था कि लाहौर पहुंचने में बिल्कुल नज़दीक थे। इसलिए आज देश के, अब तो देश के नौजवान इतने एक्टिव हैं, इतने बढ़िया लड़ रहे हैं, जिनको देख के हमें बड़ी खुशी होती है।